अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम पीट्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पॉलीमायोसाइटिस कंजेनिटल मायोपैथी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज। अब डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज बेसिकली क्या है? डिबिलिटेटिंग मायोपैथीज हैं। डिबिलिटेटिंग का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि स्ट्रेंथ को कम करे, वीकनेस कॉज करे, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज क्या है? डिबिलिटेटिंग मायोपैथीज हैं जो कि वीकनेस कॉज करती हैं, स्ट्रेंथ को कम करती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मसल वीकनेस कॉज करेंगी और मसल वेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज में बेसिकली अगर हम कॉज देखें मेन, तो वो होगा जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, कॉज्ड बाय द जेनेटिक म्यूटेशन। कंजेनिटल मायोपैथीज में भी हमने देखा था कि उसका मेन जो कॉज आ रहा था वो था जेनेटिक म्यूटेशन, तो इसमें भी डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज में भी जो मेन कॉज आ रहा है वो है जेनेटिक म्यूटेशन। अब जब जेनेटिक म्यूटेशन होगी तो क्या होगा कि मसल फाइबर निक्रोसिस होगा, रीजनरेशन होगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि मसल फाइबर जो है ना वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज से रिलेटेड एक रिसर्च की गई, ठीक है, कि जिन पेशेंट्स को डिस्ट्रोफिक मायोपैथी थी, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, उनका ग्रुप जो है वो अलग कर दिया गया। अब उस ग्रुप को जो फर्दर सब डिवाइड किया गया, ठीक है, ग्रुप्स में किस बेस के ऊपर? एज पे, मोड ऑफ द इनहेरिटेंस और अफेक्टेड मसल्स पे, ठीक है। किस किस के ऊपर? एज पे, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और उनके कौन से मसल जो है ना वो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उस बेस पे जो है ना उनको डिवाइड कर दिया गया फर्दर सब ग्रुप्स में। अब जब रिसर्च का रिजल्ट आया, ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव की गई कि जो मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं, ठीक है, वो प्योरली मसल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। जितनी भी मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं वो प्योरली मसल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, बट मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ जो सी हैं वो मसल की वजह से कॉज नहीं हो रही, ठीक है। जितनी भी डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज हैं वो सिर्फ मसल्स की वजह से कॉज नहीं हो रही, उनके फर्दर दूसरे भी डिसऑर्डर जो से हैं ना वो वजह बन सकती हैं, ठीक है। तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? बॉडी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, आईज भी आ सकती हैं, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम भी कॉज हो सकता है उसका, ठीक है, सीवीएस भी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम भी हो सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकता है, ब्रेन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या प्रूव किया गया रिसर्च में कि जो जितनी भी डिस्ट्रोफिक मस्कुलर डिस्ट्रोफीज आ रही हैं, ठीक है, वो प्योरली मसल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, उनकी और भी वजह हो सकती है, जिसमें बॉडी सिस्टम आ गया, MSK आ गया, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम हो गया, आईज होगी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, पल्मोनरी सिस्टम हो गया, और ब्रेन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने देख लिया डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज। अब डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज में फर्दर अब हमने कहा है कि वो सिर्फ मस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई एक जो सी है ना वो डिस्ट्रोफिक मायोपैथी नहीं आती, ठीक है। तो क्या हम अब देखेंगे कि फर्दर उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो टाइप्स में आ जाता है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और लिम गर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। और अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं ये हम फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रोफिक मायोपैथीज, ठीक है, जो कि डिबिलिटेटिंग थी, मसल वीकनेस कॉज कर रही थी, मसल वेस्टिंग कॉज कर रही थी, ठीक है, और जो मेन कॉज आ रहा था इसका वो था जेनेटिक म्यूटेशन।